जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, यही तो है हमारे भोले बाबा की निशानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और भोले बाबा के दर्शन के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे कि कब वो दिन आए जब हम अपने घर से प्रस्थान करें भोले बाबा की यात्रा की ओर। सो आज की जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ COVID-19 के प्रोटोकॉल्स के बारे में। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है जिसमें ये कहा गया हो कि आपको ये चीज़ करनी है, बट स्टिल एज देखा जाए कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो जैसे हरियाणा गवर्नमेंट होगी या महाराष्ट्र होगी या चंडीगढ़ या दिल्ली होगी, वहाँ पे हर जगह पर ये कह दिया गया है, पब्लिक को अपील कर दी गई है कि आपको अब मास्क अनिवार्य है। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको जुर्माना होगा ₹500 का। सो ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम केस बढ़ रहे हैं, अगर हम देखें न्यूज़ चैनल्स में सो हर दिन 2 से 3 हज़ार केस बढ़ रहे हैं और यात्रा स्टार्ट होने में अभी तकरीबन 2 महीने पड़े हैं। सो आने वाले समय में क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें उसका पालन तो करना ही है, साथ साथ में जो भी पर्सन एलिजिबल है डबल डोज वैक्सीनेशन के लिए या फिर बूस्टर डोज के लिए वो उसको ज़रूर लगवा लें, डिले बिल्कुल ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो कुछ नहीं पता। अपने और से बिल्कुल अप टू डेट रहे, बिल्कुल टिप टॉप रहे और हो सके तो अपने फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय जब हम यात्रा स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हालांकि उन कठिनाइयों के बारे में मेरी वीडियो अलग से बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं उसको। और अगली जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा वो मेरी होंगी फिटनेस के ऊपर कि हम लोग किस तरह से अपने आप को फिट कर सकते हैं और हमें क्या रोज़ करना चाहिए जिससे कि हमें यात्रा में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। रही बात प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल तो हमें पालन करना ही पड़ेगा, जैसे लाइक मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है। हालांकि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जब हम चेक पोस्ट पर जाएंगे, चाहे वो बालटाल पे हो चाहे वो पहलगाम में हो, वहाँ एक बार के लिए रश तो होगा ही और दूसरी बात जब बाबा जी के भंडारे होंगे जहाँ पे लोग खाना खाएंगे तो वहाँ भी इकट्ठे होंगे। सो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल फिर भी अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहती है उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 15,000 लोगों को एक साथ छोड़ा जाएगा, चाहे वो बालटाल का रास्ता हो चाहे वो पहलगाम का हो। सो देखा जाए तो दोनों को मिलाया जाए तो एक साथ आपके तकरीबन 30,000 श्रद्धालु एक साथ में यात्रा कर पाएंगे एक दिन के लिए। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है कि कोविड को देखते हुए अगर यात्रा को कम कर दिया गया, जैसे लाइक 5,000 या 7,000, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जिनके परमिट बन चुके हैं ऐसा लगता है मुझे कि वो तो उनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो 15,000 की जगह वो 10,000 या 5,000 कर सके। तो जिस किसी श्रद्धालु ने अभी तक यात्रा का पंजीकरण नहीं करवाया है सो अपने वो डेट के अनुसार, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार वो जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हाँ, रही बात प्रोटोकॉल की, तो वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, हम चाहे बस में जाएँ, चाहे अपने कार में जाएँ, चाहे फ्लाइट में जाएँ, चाहे वो ट्रेन में जाएँ, हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं, सुविधाएं की कोई कमी नहीं है, बस कमी रहेगी तो इस बात की कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश ना आ जाए जिससे श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे इस चैनल मुकुल स्किल्स अड्डा पर। जय भोलेनाथ।